यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 45। यशायाह अध्याय 45। यहुआ अपने अभिषिक्त कुसरू के विषय यू कहता है कि मैंने उसके दहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं और फाटकों को उसके सामने खोल दूं और फाटक बंद न किए जाएंगे। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छपा हुआ और गुप्त स्थानों में गढ़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर हूं और मैं ही तुझे नाम लेकर बुलाता हूं। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूं, दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं। मैं शांति का दाता और विपत्ति का सृजनहार हूं। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूं। हे आकाश, ऊपर से धर्म वर्षा और आकाशमंडल से धर्म की वर्षा हो, फिर पृथ्वी खुलकर उद्धार उत्पन्न करे और धर्म को उसके संग ही उगाए। मैं यहोवा ही उसका उत्पन्न करने वाला हूं। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी कि तू यह क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा कि उसके हाथ नहीं है? हाय उस पर जो अपने पिता से कहे कि तू क्या जन्माता है और मां से कहे कि तू किस चीज की माता है। यहोवा जो इस्राएल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह यो कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सूझा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को तान दिया और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। मैं ही ने उस पुरुष को धर्म की रीति से उभारा है और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूंगा। वहां मेरे नगर को फिर बसाएगा और मेरे बंधुओं को बिना दाम का बदला लिए हुए छुड़ा देगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहोवा यो कहता है कि मिस्रियों के श्रम की कमाई और कुशियों के व्यापार का लाभ तुझको मिलेगा और सबाई लोग जो डील डबल वाले हैं तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे। वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे, वरन सांकलों में बंधे हुए चले आएंगे और तेरे सामने दंडवत कर तुझसे विनती करेंगे कि निश्चय तेरे ही बीच परमेश्वर है और दूसरा कोई नहीं, कोई और परमेश्वर नहीं। हे इस्राएल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। मूर्तियों को गढ़ने वाले सबके सब लज्जित और चकित होंगे और वे सबके सब व्याकुल होंगे, परंतु इस्राएल का यहोवा के द्वारा गुणगान युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अंत काल तक कभी न तो लज्जित और न व्याकुल होंगे, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया और सुनसान होने के लिए नहीं सृजा परंतु बसने के लिए उसे रचा। वही यो कहता है कि मैं यहोवा हूं और मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं। मैंने न किसी गुप्त स्थान में न अंधकार के देश के किसी स्थान में बातें की है। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा कि मुझे व्यर्थ ढूंढो। मैं यहोवा धर्म की बात कहता हूं और उचित बातें बताता आया हूं। हे अन्य जातियों में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्ति लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। तुम प्रचार करो
और उनको लाओ, हाँ वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल ही से यह प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी है? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है, धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। हे पृथ्वी के दूर-दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई और यह वचन धर्म के अनुसार मेरे मुख से निकला है और वह टलेगा नहीं, कि प्रत्येक घुटना मेरे सन्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। लोग मेरे विषय में कहेंगे कि केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है, उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। तब इसराइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी प्रतिष्ठा करेंगे।